अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली हाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेलवे स्टेशन लाहौर में। परदेसी अपनी ईद अपने घरों में करने, अपने इलाकों में, अपने गांव में, अपने देहातों में जा रहे हैं, और रेलवे स्टेशन पे इस वक्त क्या माहौल है। रेलवे स्टेशन पे आवाम का जमे गफीर मौजूद है, और कब से जब तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया यहाँ पे हम खड़े हैं, और आवाम ट्रेन का वेट कर रही है, आवाम ट्रेनों के इंतज़ार में, आवाम ट्रेनों की लाइन में लगी हुई है कि जी हमारी बारी आएगी। और थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं और आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ की ट्रेनें अभी तक नहीं पहुँची और आवाम किस के इंतजार में। पहले ये भाईजान खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं जी? कराची एक्सप्रेस। कब आना थी? 6 बजे है टाइम, देखें अभी क्या होता है। इंशाल्लाह हम लोग तो अपने टाइम से पहले आ गए हैं। बाय द वे अभी है 20 फैमिली सारी पैकिंग पुकिंग बैग शैग तैयार कर ली है, जैसे लाहौर छोड़ के जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है ईद आ रही है, ईद में अब हम लोग तो जो है वो टोटल अपना सारा सामान लगेजेस वगैरह साथ लेके ही जाएंगे। ट्रेन में जाने का मकसद ही यही है। अच्छा, तो किरायों का सुना है जी, पहले जो किराया 500 रुपये होता था वो 1500 रुपये हो गया है, किराए में क्या फर्क आया? आपको कोई मुतासर हुए आप, या ठीक है मामला, ठीक है महंगाई के हिसाब से? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली आपको जिसने भी ये कहा है ना वो चीज़ गलत है। देखे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, लास्ट टाइम 15 डेज पहले मैंने टिकट परचेज किया था कराची एक्सप्रेस का बिजनेस क्लास का, तो उस टाइम टिकट था 75,000। अब मैंने टिकट परचेज किया अल्हम्दुलिल्लाह 100, इट्स मीन के 400 जो है वो ईद पे कमी हुई। जी 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 बिल्कुल, आवाम तो यहाँ पे फिलहाल खुश है। और जैसा कि थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं, तो ये अब आपको एक सिलसिला, एक पूरी आपको एक लाइन नजर आएगी, एक आपको पटरी नजर आएगी कि आवाम के बैठे हुए की जो रेलवे स्टेशन पे आवाम का जमे गफीर मौजूद है और जो ट्रेनों के इंतजार में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से अभी सिलसिला स्टार्ट होता है। और क्योंकि रमजान है और इफ्तारी में कुछ ही वक्त बाकी है, तो इस वक्त रेलवे स्टेशन पे आपका इंतजार करना ट्रेन के लिए और मुसाफिरों का ईद के मौके पे, क्योंकि ईद में एक दो दिन ही रह गए हैं, और रेलवे स्टेशन में क्या मोहल्ला, तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से सोहन सिलसिला शुरू हो गया है, और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है चाचू, शुक्र अल्लाह, शान नजर आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? कराची एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस आ रही है? आ रही है, सुना है। अच्छा, कह रहे हैं किरायों का कोई मसला तो नहीं? कह रहे ज्यादा हो गया, पहले भी वही थे किराए जो है ना। अच्छा, क्या मुश्किल आता है रमजान में यहाँ पे कि ट्रेन का वेट करना पड़ता है? कितनी देर वेट करना पड़ता है? 6 बजे का टाइम है कराची एक्सप्रेस का। अच्छा। अभी पता नहीं कितने बजे बैठे हैं। अल्लाह हैर करे जी। आवाम ये देखिए जी, आप देख ही सकते हैं पहली आवाम बैठी हुई। आपने यहाँ से काबिले गौर बात, काबिले जिक्र बात और काबिले तवज्जो बात यह है कि आप यहाँ से देखेंगे सोन एक सिलसिला शुरू हो गया कि आवाम पूरी भरी हुई है। रेलवे स्टेशन की रौनक बहाल हो गया है, ट्रेनों की रौनक बहाल हो गया है, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है, ट्रेनों में क्या माहौल है ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे सारी आवाम इंतजार में खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। यहाँ पे वाला कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कराची। कराची जा रहे हैं, ट्रेन आ रही है, क्या माहौल है? अभी तक तो कुछ आइडिया नहीं है। 6:30-5:45 पर ट्रेन आ जाती है। अच्छा। लेकिन अभी तक नहीं आई। लास्ट टाइम भी मैं कराची गया था तो तकरीबन 1.25 घंटा लेट थी। रफ्तारी तो यहाँ करनी पड़ेगी, रफ्तारी में आधा घंटा रह गया। ऐसे ही है, उस हिसाब से सामान अपना साथ लेकर आए हैं। सारे जा रहे हैं, क्या तैयारी है कराची स्पेशली ईद के लिए? हाँ जी, मेरा ससुराल है बेसिकली। अच्छा, पूरी फैमिली जा रही है? नहीं फैमिली नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे कराची में है। अच्छा, उधर ही है। हाँ जी, उनको मैं पहले छोड़ के आया हूँ। अच्छा। तीसरे रमजान अब उनको लेने जा रहा हूँ, ईद इंशाल्लाह वहीं पर करेंगे अपनी फैमिली के साथ। चले जी, आप ये देख ही रहे हैं थोड़ा सोन, आप आगे आते रहे जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जितना भी आगे आए हैं कि आपको आवाम का जमे गफीर नजर आएगा, आपको फैमिली नजर आएंगी, आपको ऐसे नौजवान नजर आएंगे जो खड़े हुए हैं मुसाफिर और परदेसी हैं। भजन कहाँ जा रहे हैं? भावलपुर। भावलपुर जा रहे हैं, ईद फिर अपने भावलपुर में करेंगे। हाँ जी, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या खबारी है यहाँ पे, ट्रेनों का कब से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन लेट है कब आएगी कोई पता है? 6 बजे आ रही है। 6 बजे आ रही है और लेट है तो फिर रफ्तारी गई? आ जाएगी 6 बजे तक, ये थोड़ी देर जी भाईजान को उम्मीद है। और ये सोन आप आते आगे आते जाए और आपको फील होगा देसी, आपको वाइब आएगी लाहौर के रेलवे स्टेशन की। तो जैसे कि कैमरामैन थोड़ा साथ साथ आगे आए तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे सामान का सिलसिला जारी है, सामान लोड करने का सिलसिला जारी है। खड़े हुए आफा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन का वेट कर रहे हैं जी? ट्रेन का वेट। कहाँ जाना है? मुल्तान। मुल्तान जा रहे हैं, मुल्तान करनी है इंशाल्लाह। आप भाई शहर है जी, लाहौर से फिर किनारा कशी कर रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। किरायों का कोई मसला तो नहीं? नहीं कोई मसला नहीं है, किराए ठीक है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेन लेट तो नहीं? ट्रेन 6 बजे का टाइम है, 6 बजे के तो फिर आ जाएगी। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद है। ट्रेन पे सफर करते रहते हैं जी? जी। कोई तंगी परेशानी? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं होती।
अच्छा हाँ जी, सब ठीक ठाक है? सब खैरियत है, सब ठीक है जी। आप साहब यहाँ पे कह रहे हैं बाकी थोड़ा सा आप आगे सो ना, आप आगे जाए तो यहाँ आप देख ही सकते हैं रेलवे स्टेशन की एक्साइटमेंट ईद के हवाले से कि रेलवे स्टेशन पे क्या हजूम है, क्या आवाम का जमे कफीर यहाँ पे मौजूद है, आवाम कितनी बड़ी तादाद में बैठी है, कैसे कैसे बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए जगह कम है तो यहाँ पे आवाम कोई बैग रख के बैठी हुई है, कोई सीटों पे बैठी हुई है, सब वेट कर रहे हैं। यहाँ पे चाचू बैठे हैं, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। चाचू कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद। हैदराबाद जा रहे हैं, ईद हैदराबाद करनी है इंशाल्लाह। क्या सफर ठीक है? बहुत ठीक है। अच्छा किराए ज्यादा तो नहीं हो गए? नहीं किराए तो मुनासिब है, अभी तो जो महंगाई सर चढ़ गया उस लिहाज से ट्रेन ठीक है, उस लिहाज से गरीब के लिए ट्रेन ठीक है, गरीब के लिए ठीक है, जगह ठीक मिल जाती है। हाँ मैंने एडवांस टिकट कराया है। एडवांस टिकट कराया है। चले जी ये आप देख ही सकते हैं, सिर्फ आप अगर ये वाली साइड देख रहे हैं तो ये तो सारी फुल है ही, आप अगर थोड़ा ऑपोजिट साइड पे आपको कैमरा में दिखाए तो वो भी सारी लेन फुल है और वहाँ पे भी आवाम ट्रेन के वेट में, वहाँ पे भी थोड़ा चलते हैं, आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी जाके बात करते हैं और उनसे आपको दिखाते हैं कि क्या माहौल है और ईद की गहमा गहमी ईद के माहौल में आवाम यहाँ पे आई हुई है। कोई अपने देख सकते हैं सामान फुल लोड हो गया, आवाम निकली हुई है, बड़े बड़े बैग हैं, बड़े बड़े ये देखे जी कुली भाईजान सारे मसरूफ़ हैं और बड़े बड़े बैग्स आपको नजर आएंगे। आवाम फुली लोडेड तैयार है यहाँ पे और फैमिलीज आई हुई हैं, नौजवान आए हुए हैं, सारे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? भावलपुर जा रहे हैं। भावलपुर जा रहे हैं, ईद वहीं करनी है? हाँ जी। लाहौर नहीं करनी? नहीं नहीं। लाहौर से किनारा कशी? हाँ जी बिल्कुल। क्या वजह? यहाँ पे ना यहाँ पे काम करते थे तो इसीलिए। हाँ जी सारे परदेसी जी वापस जा रहे हैं और ट्रेन का सफर ठीक है? पता नहीं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं तो, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी यहाँ पे हो रहे हैं। बाकी थोड़ा आपको ऊपर लेके चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं कि वहाँ से क्या माहौल है, तो इधर से आप आ जाए। तो अगर ईद के मौके पे रेलवे स्टेशन में आवाम क्या मुश्किलात का शिकार है, रेलवे स्टेशन पे ट्रेनें कितनी लेट हैं, रेलवे स्टेशन पे जो परदेसी इंतज़ार में और उन्हें इफ्तारियां रेलवे स्टेशन पे करना पड़ रही है, ये आपको माहौल दिखा रहे हैं। तो इधर से अगर आपको कैमरा मैन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आवाम काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है और क्योंकि ट्रेनें काफ़ी लेट हैं तो उन्हें इफ्तारी यही करनी पड़ेगी। इफ्तारी का वक्त थोड़ी टाइम रह गया इफ्तारी में, तकरीबन 10 से 15 मिनट रह गए हैं और ये रेलवे स्टेशन का माहौल आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप नीचे देख ही सकते हैं आवाम का जमे गफीर, आवाम का सुनामी यहाँ मौजूद है, आवाम के पूरी तैयारियों से निकली हुई है घरों से। जितने परदेसी लाहौर में रहते हैं वो लाहौर से आज जा रहे हैं, कोई भावलपुर जा रहा है, कोई मुल्तान जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, कोई पिंडी जा रहा है, कोई गिलगित जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई मुल्तान जा रहा है, सारे मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, आपको जरा यहाँ से भी माहौल दिखाते हैं, ये भी आप देख लें जरा यहाँ कितना रश है और यहाँ क्या माहौल है। कहाँ जा रहे हैं जी? हम रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहे हैं, कब की ट्रेन है? 6 बजे। 6 बजे की ट्रेन है, यहाँ आएगी जी। चले जी यहाँ आए जरा, ये रेलवे स्टेशन में ये देखिए जी बच्चे बैग शैग उठा रहे हैं। अब ये मुश्किलात क्या मुसाफिरों के, ये सीढ़ियों में बैठे हुए हैं भाईजान और वेट कर रहे हैं क्योंकि बैठने की जगह नहीं और क्योंकि ईद का मौका है, रमजान है और इफ्तारी का टाइम भी करीब है और ट्रेन नहीं आ रही तो सब मजबूरन जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? खानेवाल। खानेवाल जा रहे हैं। ट्रेन कब की है? 5 बजे की। 5 बजे की। टाइम क्या हो रहा है? 5:30, 6:30। फिर तो इफ्तारी यही होगी आपकी? इधर ही होगी। क्या कितने मुश्किलात का मसला है, कितने मसाइल है यहाँ पे? बहुत ज्यादा जी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे आवाम, अब ये पूरी साइड ये भरी हुई है और ये ट्रेन भी आ चुकी है, ये भी थोड़ा माहौल दिखा देते हैं। कहाँ जा रहे हैं जी? कराची। कराची जा रहे हैं, ट्रेन आ गई है जी। तो ये जो मुसाफिर काफ़ी देर से लाइनों में लगे हुए थे, आवाम गेट पे खड़ी हुई थी, या आपको रेलवे स्टेशन से बराह रास्त नजर दिखा रहे हैं कि आवाम जो ये देखिए आप सामान किस कदर है, आवाम किस कदर बड़े सामान फुली लोडेड आवाम का जमे गफीर। तो ये बराह रास्त मनाजर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन से कि ट्रेन आ रही है, आवाम ट्रेन पे सवार हो रही है और सारे परदेसी बड़े खुश हैं, सारे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं जी? सिंध में। सिंध कहाँ जा रहे हैं? नवाबशाह। नवाबशाह जा रहे हैं जी। लॉरी इतनी करनी? नहीं, ये लॉरियाँ नहीं। अच्छा बड़ी खुआारी होगी जी। ट्रेन का अच्छा सफर है? जबरदस्त सफर है। अच्छा किराए का कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं कोई इशू नहीं है। चले जी ये ट्रेन आ गई है
और यहाँ पे थोड़ा सा आप जैसा कि देख ही सकते हैं यहाँ पे आवाम जा रही है। तो ये रेलवे स्टेशन से बराह रास्त मुलाजिर आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के में ईद की गहमा गहमी रमजानुल मुबारक में अफतारी से कुछ देर पहले क्या माहौल है, क्या एनवायरमेंट है। चाचू कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं जी। ट्रेन आ गई है? अब आई है, दो घंटे बाद। दो घंटे बाद आई? हाँ जी। तंग कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, वो बंद हो गया। अच्छा हाँ, वो देख अफतारी लेके चले, रास्ते में होगी। चलिए देखिए जी, ये आपको रेलवे स्टेशन के बराह रास्त मुलाजिर आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आवाम का जमे गफी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आवाम जो परदेसी लाहौर में रहते हैं, पाकिस्तान भर से आए हुए हैं, कराची से आए हुए हैं, हैदराबाद से आए हुए हैं, नवाबशाह से आए हुए हैं, कोटली से आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, पिशावर से आए हुए हैं, रावलपिंडी से आए हुए हैं, जो जहाँ से भी आए हुए हैं, सारे इस वक्त ट्रेनों पर सवार हो रहे हैं, अपने शहरों को, अपने अपने इलाकों को, अपने अपने देहातों को, अपने अपने गाँव को वापस जा रहे हैं। और क्या माहौल है, ये भाईजान बैठ चुके हैं, सब ट्रेन पर बैठे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं लाहौर से रहीमियर खान जा रहा हूँ। रहीमियर खान जा रहे हैं, ईद वही करनी है फिर? हाँ, ईद तो वही करनी, लाहौर नहीं करनी। सफर ठीक है, ट्रेन को मसला मसाइल तो नहीं? पहली मरतबा कर रहे हैं, देखते हैं। ये सारे कह रहे हैं ट्रेन बड़ी लेट आई है, तो मुझे तो पता है। हम नवाबशाह जा रहे हैं, आधा दो घंटे इंतजार किया हमने ट्रेन का, दो घंटे इंतजार किया पे, लेकिन अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह को मंजूर है, ईद बच्चों में कर रहे हैं जाके। ईद बच्चों में करने के लिए आवाम जा रही है। और किस कदर बड़ी तादाद है आवाम की, जो परदेसी है, जो ईद करने अपने जा रहे हैं, वो आपको दिखाया। और ये बराह रास्त मुलाजिर थे लाहौर रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन में क्या गहमा गहमी थी, परदेसी अपने शहरों को, अपने देहातों को, अपने इलाकों को वापस जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को, अली उस्मान, थोड़ा सा अंदर से भी दिखा दे, अगर कैमरामैन मेरा थोड़ा अंदर आए तो आपको अंदर दिखा दे कि अंदर ट्रेन के अंदर क्या माहौल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेन के अंदर अभी सारे आवाम और इंतजार वो कर रहे हैं कि उन्हें कोई सीट मिले, कोई जगह मिले, वो बैठे और अपने अपने सो को, अपने अपने शहरों को, अपने अपने इलाकों को वापस जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को, अली उस्मान के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाजत, अल्लाह निगेबान।